हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 5th में। तो एपिसोड नंबर 5th को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं आपके एपिसोड को। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी लोग काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे शंकु बोल रहा होता है कि फाइनली हमारी जो शिप है वो यहाँ पे खत्म होने वाली है, हमें जो है कितने साल लग गए इसके ऊपर काम करते हुए। यहाँ पे जो रयूसी होता है वो इस शिप को देख रहा होता है, तभी हमें जो है इसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रयूसी के अंकल होते वो कह रहे होते है रयूसी तुम काफी ज्यादा हो लालची हो गए हो, तुम्हारी लालच की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, अब तुम जो हो यहाँ से चले जाओ और तुम जो हो जाके चीजों को सीखो। यहाँ पे जो है इसकी मेड आती है और उसको कहती है कि आपके अंकल ने आपको जो सिर्फ ओनली 1 बिलियन यान ही दिया हुआ है। जो रयूसी है वो उसे देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो जो है यहाँ पे एकदम से काम करने लग जाता है और वो बोलता है कि मैं बहुत सारे पैसे छापूंगा, इसलिए वो जो है अपने पैसों को फाइनेंशियल मार्केट में लगा देता है, जिससे उसके पैसे जो है काफी ज्यादा ग्रो हो जाएंगे, जिससे उसके पास काफी ज्यादा ऑप्शन खुल जाएंगे। और रयूसी को देखते है कि वो जो है यहाँ पे गेम खेल रहा होता है, तभी वो जो है दोबारा से गेम खेलने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है कि तुम यहीं पे रुक जाओ, शायद तुम्हें पता नहीं कि जो 13 साल के बच्चे हैं वो यहाँ पे खेलने के लिए अलाउड नहीं है। जो रयूसी है उसे यहाँ पे गुस्सा आता है और पूरी कंपनी खरीद लेता है और वो जो है यहाँ पे बीच पे इंजॉय भी कर रहा होता है आराम से बैठ के। और यहाँ पे हम देखते है कि सभी लोग जो है काफी ज्यादा गुस्सा होते है रयूसी पे, तभी ये बंदा बोलता है कि उसकी मेट को तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। यहाँ पे बोलते हैं कि जो रयूसी है वो अपने ऊपर तरस नहीं खा, सभी लोग जो है काफी शोक में आ जाते हैं। ये एक्सप्लेन करते हैं कि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, ये बताती है कि कुछ लोग जो है कुछ काम करना चाहते हैं पर वो जो है कुछ रीजन देके अपने आप को उस काम को करने से रोक लेते हैं जबकि वो करना चाहते हैं, और आप लोग जो है चोट लगने से पहले ही जो है हार को मान लेते हैं, पर जो रयूसी है वो ऐसा नहीं करते, वो जो है अपने आप से झूठ कभी नहीं बोलते, वो जो है हमेशा काम करते रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें जो अपने सपनों को पूरा करना ही होता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो रयूसी होता है वो काम कर रहा होता है, तभी जो है यहाँ पे इसकी मेड आती है और बोलती है कि आपने अभी शिप खरीदी है और अब अभी से जो है काम कर रहे हो, तो ये बोलता है कि ये जो मॉडर्न शिप है ये जो है मेरी फुलफिल नहीं करती टेक्नोलॉजी को, मुझे जो है पुरानी तरह की शिपों को भी जो है इस तरह का बनाना है। हाँ, तुम ये कह सकती हो कि जो इंसान है वो बहुत ही ज्यादा जो है लालची है और मैं भी जो हूँ उनमें से एक ही हूँ। यहाँ पे जो रयूसी होता है वो इन सब चीजों को सोच रहा होता है, तभी वो कहता है कि चलो ठीक है हम लोग जो है एक बड़ी शिप और एक जो है मॉडर्न शिप बनाएंगे, तभी ये लोग जो होते काफी ज्यादा शोक में आ जाते हैं। यहाँ पे जो शंकु होता है वो कहता है चलो ठीक है तुमने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे, तो ये लोग जो है यहाँ पे शिप बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग जो है यहाँ पे शिप का मॉडल देख रहे होते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तभी ये लड़की बोलती है कि मैं जो हूँ फोटो खींचूंगी और जितने भी मेमोरी है उनको जो है यहाँ पे संभाल के रखूंगी, तो ये जो है यहाँ पे फोटो खींचना शुरू कर देती है। और जो शंकु होता है वो जो है अपना मॉडल को तैयार कर रहा होता है और ये लोग जो है यहाँ पे ड्राइंग कर रहे होते हैं कि स्केल की हेल्प से। हम देखते हैं कि ये लोग जो है शंकु की ही ड्राइंग बना देते हैं यहाँ पे। फिर शंकु कहता है कि हमने जो है रोड मॉडल तो बना लिया यहाँ पे, हमारी शिप जो है कैसी होने वाली है, तभी जो शंकु है वो बताता है कि असल में हमने ये तो बना लिया शिप की बॉडी के बारे में पर हमें शिप के इंजन के बारे में कुछ भी नहीं बनाया। जो रयूसी होता है वो बोलता है कि तुम जो अपना टाइम लो अच्छे शिप को बनाना उसके इंजन को। यहाँ पे जो है विंटर स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे ये लोग जो होते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है शंकु कुछ लिक्विड को जो है साथ में मिला रहा होता है, फिर यहाँ पता चलता है ये जो असल में चॉकलेट का घोल बना देता है और यहाँ पे ये लोग जो है चॉकलेट की बात कर रहे होते हैं, तभी ये लड़की बोलती है कि चॉकलेट तुम्हें याद नहीं क्या वैलेंटाइन डे ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट डे होता है। यहाँ पे जो रयूसी होता है वो इन सब चॉकलेटों को जो है एक जगह पे रख रहा होता है और ये लोग जो है चॉकलेट को खोल के खा रहे होते हैं और इनको जो चॉकलेट है वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। और हम देखते हैं कि ये लोग जो है फोटो को देख रहे होते हैं यहाँ पे और तभी जो है एक लड़की कहती है कि तुम जो अपने कमेंट को फोटो पे लिख सकते हो, तो ये लोग जो फोटो को
देख के अपने अपने कमेंट जो इसके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जो सेंकू होता है वो जो है इंजन के पुर्जे बना रहा होता है, और यहाँ पे जो है ये बंदे हैं ये बोल रहे होते सेंकू काफी ज्यादा हार्ड वर्क करता है ना, ये लोग जो है असल में यहाँ पे बीटल पकड़ने आए होते हैं। लोग देखते हैं कि यहाँ पे गर्मियाँ आ जाती है और ये लोग जो है यहाँ पे गेम खेल के काफी ज्यादा जो है समय को एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो ये लड़की होती है इन जो फोटो को है इकट्ठा करके रख रही होती है मेमोरीज के तौर पे। यहाँ पे ये लोग कह रहे होते हैं कि फाइनली इतने समय के बाद ये जो शिप है वो पूरी हो चुकी होती है। तभी ये लड़की बोलती है कि ये लोग जो है अब यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे सबको। यहाँ पे है ये कहती है कि चलो ठीक है सभी लोग जो है यहाँ पे एक साथ हो जाओ, अब जो है फाइनल फोटो लेने का समय यहाँ पे आ गया है। तभी सेंकू कहता है कि आखिर तुम कितनी ज्यादा फोटो लोगी यहाँ पे। तो ये लड़की बोल रही होती है वैसे भी जो है हम लोग अब कुछ देर में जो है अलग हो जाएंगे यहाँ पे, और हमें ये भी नहीं पता कि हम लोग जो है एक दूसरे को कभी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ये बोलते हुए ये यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लग जाती है। तभी ये लड़की कह रही होती है कि हाँ ये सही बोल रही है। सेंकू बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो यहाँ पे, तुम ये कहना चाहती हो कि ये जो है हमारा एंड है। ये बोलता है कि नहीं ये हमारा एंड नहीं है, हम लोग जो है दोबारा जरूर मिलेंगे यहाँ पे। तो ये लोग जो है फाइनली फोटो लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पे जो ये फोटो ले लेते हैं। यहाँ पे जो शिप है वो यहाँ पे चालू हो जाती है और ये लोग जो है काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनका एक सपना पूरा हो जाता है यहाँ पे। और ये ओल्ड मैन जो होता है वो तो खुशी के मारे यहाँ पे रोने ही लग जाता है। तभी ये लोग जो है यहाँ पे देख रहे होते हैं शिप को और ये सोचते हैं हमें जो है प्लैनेट के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, हमें जो है वहाँ पे जाके ह्यूमैनिटी को बचाना पड़ेगा, इसलिए हमें जो है वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। अब सेंकू बोलता है कि चलो टीम को बांटने का टाइम आ गया है, हम लोग जो है दो हिस्सों में टीम को बांटेंगे, एक टीम जो है वहाँ पे जाएगी और दूसरी टीम यहीं पे रुक के जो है यहाँ का डेवलपमेंट करेगी। तो जो अपना रयूसी होता है वो यहाँ पे जो है लिस्ट को निकाल लेता है, वो जो है यहाँ पे सभी के नाम पढ़ने लग जाता है भारी भारी। और ये लोग जो है अपना अपना नाम सुन के जो है इमोशनल होके अंदर चले जाते हैं शिप के अंदर। यहाँ पे जो होता है ये लड़का काफी ज्यादा डरा होता है, कोसता कहीं मेरा नाम ना आ जाए। तो रयूसी होता है वो इसका नाम ले लेता है, वो बोलता है गिलरो आ जाओ। तो ये जो है काफी ज्यादा शोक में आ जाता है और बोलता है मैं भी जो शिप पे आ रहा हूँ। तो रयूसी बोलता है कि तुम क्या बकवास करने लगे हो, तुम जो शिप पे नहीं आ रहे, तुम यहीं पे रह के जो है डेवलपमेंट करोगे। ये लड़का बोलता सही में है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये लेडी भी बोल रही होती है कि अच्छा वो मेरा नाम भी नहीं आया, पर जो रयूसी है वो इसका भी नाम यहाँ पे ले लेता है। ये जो लेडी होती है भी काफी है शोक में आ जाती है और ये ना चाहते हुए भी ये भी जो है अंदर चली जाती है शिप के अंदर। यहाँ जो शिप होती है वो चालू हो जाती है और यहाँ पे सभी लोग को देखते हैं, जो सभी लोग होते हैं वो इनको बाइक कर रहे होते हैं। अभी जो ये लड़का है ये एकदम से जो है अजीब से स्माइल देता है और एकदम से ये जो है नीचे कूद जाता है पानी में ही, और ये जो है कहता है कि मैं भी फाइटिंग करूंगा यहाँ पे, मुझे लड़ना ही होगा। ये सोचता है कि अगर मैं जो हूँ लड़के आऊंगा तो मुझे जो है लड़के काफी ज्यादा प्यार करेंगी और मुझे जो है राजा की तरह रखा जाएगा यहाँ पे। सोच के तो ये बेचारा और भी तेजी से जो है यहाँ पे तैरने लग जाता है। तभी जो सेंकू की टीम होती है वो यहाँ पे इसको देख लेती है, तो इनमें से एक बंदा जो है पानी में कूद जाता है इस लड़के को बचाने के लिए। ये जो है यहाँ पे पहुंच जाता है और इसको जो है बचा के ये जो है ऊपर शिप पे ले आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये लोग बोल रहे होते तुमने तो हमें काफी सरप्राइज कर दिया, ये लोग जो है इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। ये बोलते तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। ये जो है इसके नाम का यहाँ पे ढिंडोरा पीटने लग जाते हैं, गिलरो गिलरो। और इसी तरह ये जो आगे जा रहे होते हैं। तो गाइस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है, आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।